Do you all want to give your examinations online or offline? Plus, कल के वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे कमेंट्स आया था एंड कमेंट्स रिप्लाई भी किया था एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम हैंडल एंड यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर कि क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन के स्टूडेंट के लेकिन वट यू ऑल वॉन्ट डू यू वॉन्ट टू गिव योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑनलाइन और डू यू ऑल वॉन्ट टू गिव योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफलाइन तो इसके अंदर 74% students ने बोला था कि भैया 26% ने ये बोला कि no, we want to give our examinations offline. तो अगर तुम ICAC, IHC, या फिर किसी और स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट हो एंड चाहे तुम किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो मींस किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो इंडिया के अंदर ठीक है ये वीडियो तुम्हारे लिए है क्यों क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर बहुत सारे यार ऐसे कुछ सिचुएशंस को लेके डिस्कस करने वाले हैं प्लस मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया क्लास इलेवन के डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से उनका कुछ क्वेश्चन मैंने यार लिया एंड इसके साथ साथ राइट right नाउ क्या तुमको करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर में वो लेके भी बात करने वाला हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम क्लास नाइन से लेके क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट हो एंड राइट नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट नाउर यह बात आता है क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन के लिए भैया थ्रू आउट दर वी स्टडीड ऑनलाइन एंड वीव एंटर्ड ऑन अवर क्लासरूम द डिसीजन ऑफ अवर एजुकेशन मिनिस्टर श्री पार्थो चैटर्जी वी हैव टू कम बैक टू अवर स्कूल एंड वी हैव टू गिवर एग्जामिनेशन ऑफलाइन सो डू इट मेक एनी सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इन बात सुनो बहुत सारे स्कूल ना तुमको ऑप्शन दिया है कि अगर तुम चाहते हो ऑन दैट केस यू कैन गिव यूर एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड इफ यू टू कम टू स्कूल ऑन दैट केस यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफलाइन फॉर क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन ठीक है इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का यार ये भी कमेंट आ रहा था कि भैया हम लोगों का स्कूल कुछ ऑप्शन नहीं दिया है ठीक है मतलब जो हमारे स्कूल का डिसीजन होगा वही हमको एक्सेप्ट uh, करना है ठीक है And बहुत सारे स्कूल ने ये बोला कि तुम्हारे मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो लोग मेजोरिटी लोग भैया ड्यू टू दिस अनाउंसमेंट मतलब ये अनाउंसमेंट के कारण स्कूल के टीचर्स राइट नाउ बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म कर रहे एंड इसके कारण हम लोगों को कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है राइट right? एंड इसके साथ साथ भैया मैथ्स में एक दो सम्स करवा रहा है चैप्टर खत्म तो ऐसे कैसे चलेगा मीनस इट इज नॉट वर्किंग एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी नो अंडरस्टैंडिंग नो कंसेप्ट क्लियरिटी सो इज इट मेक एनी सेंस राइट नाउ टू गिव एक्सामिनेशन आई थिंक इट्स नो नंबर वन नंबर टू इन सम स्कूल फिजिकल एक्सामिनेशन टू गिव ऑन दट केस इट इज ओके फॉर देम ठीक है मीन जो तुम चाहते हो वो स्कूल करने के लिए तैयार है दैट इज वेरी गुड अभी दो बात आता है यार क्या बात आता है अगर तुम्हारा स्कूल तुमको ये परमिट कर रहा है कि तुम्हारे मर्जी जो तुम्हारा मर्जी अगर तुम चाहो तुम ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो एंड तुम्हारा मर्जी अगर तुम चाहो तुम ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हो फॉर क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन ठीक है अभी तुम लोग मेरे को बोलो कि क्या तुम्हारा स्कूल ऐसा कुछ ऑप्शंस दिया है अगर ऑप्शंस दिया है तो, तो यार तुम कौन सा ऑप्शन चूज किए हो राइट नंबर टू अगर तुमको कुछ नहीं कर पा रहे हो मीन यू भैया क्या करना है तो देखो यार टाइम बहुत कम है एंड मैं तुमको सिर्फ दो टिप्स दूंगा क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे इस वीडियो के द्वारा राइट अभी तक जितने सारे स्कूल डिसीजन ले लिया कि नहीं वी वॉन्ट टू गिव यिनेशन ऑफलाइन और

फॉर सिलेक्टिव स्टडी क्योंकि यार बहुत सारे स्कूल में पंद्रह से एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया बहुत सारे स्कूल में अठारह तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं इन द मंथ फेब्रुआरी आईसीएस एग्जामिनेशन फॉर क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन राइट सो ऑन दैट केस जस्ट डू दूस दू थिंग्स फर्ट ऑफ ऑल घंटा फर्क पड़ता है सो ट्राई टू गेट एन एवरेज मार्क्स ठीक है एक एवरेज मार्क्स ले आओ क्लास नाइन में एंड क्लास इलेवन में बाकी के सब हम देख लेंगे ठीक है क्लास नाइन में एंड क्लास इलेवन में अगर तुम पढ़ रहे हो एंड अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़े हो ठीक है अगर कुछ भी नहीं पढ़ाई की हो मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जो कुछ भी पढ़ाई नहीं किया मतलब लिटरली देवन स्टडी सिंगल थिंग मीन नॉट एविन सिंगल चैप्टर नॉट एवन सिंगल स्टोरी नॉट इवन अल पोएम्स वाइंड बी दियर अगर कुछ भी नहीं किया ट्राई टू फोकस फॉर एवरेज मार्क्स एंड जस्ट डू सिलेक्टिव स्टडी राइट नाउ टाइम बहुत कम है कुछ उखाड़ नहीं पाओगे राइट नाउ राइट एंड अगर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं अगर कुछ पढ़ाई किए ऑन दैट यू कैन फोकस फॉर योर मार्क्स बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा सिलेक्टिव स्टडी करके टीचर्स uh, जो करवा रहा है स्कूल के अंदर वो थोड़ा देख के उससे कुछ सैंपलिंग लेके यार Hall में जाओ जाके अच्छे से स्टूडेंट हो ऑन दैट केस फोकस करो बारहवीं के लिए क्योंकि ग्यारहवीं लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है राइट right? एंड अगर तुम आई आई टी जेई मेन्स या फिर तुम नीट के स्टूडेंट हो ऑन दैट केस क्लास इलेवन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑन दैट केस तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे हाथ में और एक साल है उस एक साल के अंदर क्लास में जितने सारे चीज तुमने यार गैप करके रखे थे जितने सारे चीज तुमने यार अच्छे से नहीं करके रखे थे यार ठीक है वो कर लेना थ्रू आउट दिस ईयर ठीक है ये है मेरा सजेशन राइट नाउ इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं सो so, आशा करता हूं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया इंपॉर्टेंट वीडियो था ये अब तुम्हारे मन में क्या क्या डाउट है तुम्हारे मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईसीएससी आईएससी सीबीएसई वेस्ट बंगाल बोर्ड बोलना जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में एंड तुमने अभी तक कितना पढ़ाई किए हो मतलब कितना परसेंट या सिलेबस खत्म करके रखे हो अगर तुम क्लास नाइन से ट्वेल्व के स्टूडेंट हो तो वो भी मेरे को बोलना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है तब तक के लिए चलते हैं सिया अ वेरी गुड टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास नाइन एंड क्लास इलेवन अपकमिंग स्टूडेंट्स ठीक है गुड बाय